गुड मॉर्निंग, आज हम बेसमर मेथड द्वारा स्टील फॉर्मेशन पढ़ेंगे। बेसमर कन्वर्टर एक पियर शाफ्ट फर्नेस है जो कि 20 फीट ऊंचा और 10 फीट डायमीटर में चौड़ा है। यह स्टील चादरों से बना होता है तथा अंदर हीट रेजिस्ट ब्रिक्स की लाइनिंग होती है। इसके बेस में नंबर ऑफ होल्स होते हैं जो कि एयर सर्कुलेशन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं और इसे हॉरिजेंटल सेंट्रल एक्सिस पे रोटेट किया जा सकता है। इसके प्रथम चरण में मैग्नीज और सिलिका जो है वो ऑक्सीडाइज होके रेस्पेक्टिव ऑक्सीडाइज बना लेता है और यह प्रोसेस शुरुआत के 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड लिब्रेट होता है सेकेंड स्टेज में और ये कन्वर्टर के ऊपर में मुख के पास ये ब्लू फ्लेम में बर्न होता है। जैसे जैसे ब्लू फ्लेम डिसअपीयर होता है वैसे हम समझ जाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कम्प्लीटली वहाँ से कार्बन रिमूव हो चुका है। मास्ट स्टील प्रोडक्शन के लिए बेसमर प्रोसेस फर्स्ट इनएक्सपेंसिव स्टील प्रोडक्शन मेथड था जिसमें मोल्टेन पिग आयरन से कार्बन और इम्प्योरिटी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा रिमूव किया जाता था और उसमें कार्बन और मैग्नीज को एलॉइंग करके हम मैग्नीज स्टील प्राप्त करते थे। इस तरीके से हम स्पिग्लेशन स्टील का प्राप्ति करते थे। जैसा कि हमको पिक्चर में दिख रहा है कि हॉट एयर टीयर्स के माध्यम से बॉटम से यहाँ इनपुट कराया जाता था जो कि मोल्टेन आयरन से इम्प्योरिटी को रिमूव करता था और इससे हमें व्रॉट आयरन प्राप्त होता था। इस व्रॉट आयरन में हम कार्बन और मैग्नीज का मिक्सिंग करते थे और स्पिग्लेशन स्टील हमको प्राप्त हो जाता था। यह फर्नेस अपने हॉरिजेंटल सेंट्रल एक्सिस पर रोटेट कर सकता है तो इसको रोटेट कर हम वहाँ से वो स्टील जो है लिक्विड फॉर्म में प्राप्त कर लेते थे और उसको अपने कास्टिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए स्टील से हमें एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आयरन एलॉय को भी थोड़ा इनपुट करते हैं। मोल्टेन स्टील में गैसेस इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी आयरन में होने पाए जाने पर हम वहाँ पर सिलिका लाइनिंग की जगह पर लाइम या ऑयन मैग्नीशिया की लाइनिंग करते हैं। धन्यवाद।